फेसबुक पे भी है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू टॉपर्स नीट। आज फिर स्वागत करता हूँ इस चैनल में। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक है जिसे अपन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वायरस। वायरस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, एम्स के लिए, जिपमर के लिए और आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, आपके नॉलेज के लिए भी वायरस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है? तो आज वायरस को ख़त्म कर देंगे, स्टार्ट भी करेंगे, ख़त्म भी कर देंगे। और मेरी गारंटी है कि वायरस, आप मेरा अगर कॉन्सेप्ट देख लेते हो अच्छे से, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है? तो ये स्ट्रीम क्या करो यार, शेयर कर दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब पे शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा बच्चों तक ये क्या पहुंच सके, ये मेरा नॉलेज ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का लेक्चर, जिसका नाम है वायरस। क्या नाम है? वायरस। वायरस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट, एम्स, जिपमर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? देखो, वायरस समझाने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा। सब मैक्सिमम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है, वायरस क्या है। सबसे अधिक तो ये कंफ्यूजन होती है बच्चों के अंदर कि वायरस क्या है, वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग है। और सोचो, समझो, फिर बताओ वायरस क्या है। देखो, वायरस है ना, बदल बदल के अपना काम करता है। सपोज कि ये वायरस है, ये वायरस है, जब तक ये होस्ट के बॉडी के अंदर रहेगा, किसके अंदर? होस्ट के बॉडी के अंदर रहेगा, तब तक ये अपना काम लिविंग की तरह करेगा। मैं क्या बता रहा हूं कि जब तक वायरस किसी होस्ट के बॉडी के अंदर रहेगा, तब तक ये कैसा काम करेगा? लिविंग की तरह काम करेगा। लेकिन जब ये वायरस होस्ट के बॉडी से कहां रहेगा? बाहर रहेगा, तो ये नॉन लिविंग की तरह क्या करता है? अपना काम करता है। क्लियर है? जब तक वायरस बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, तब तक नॉन लिविंग रहेगा। और जैसे वायरस लिविंग के अंदर चला गया, होस्ट के बॉडी के अंदर चला गया, तो वायरस कैसा बिहेव करने लगेगा? लिविंग की तरह बिहेव करने लगेगा। देखो, वायरस के पास सेल वॉल नहीं होता, ये आपको पता है। पहला पॉइंट, वायरस के पास सेल वॉल नहीं होता। और जब तक होस्ट के बॉडी से बाहर रहता है ना, तब तक इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी नहीं होता, तब तक इसके अंदर रिप्रोडक्शन भी नहीं होता, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता। ये बात ध्यान में रख लेना है, जब तक होस्ट के बॉडी से बाहर रहेगा, ना रिप्रोडक्शन होगा इसके अंदर, ना मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन जैसे ये वायरस होस्ट के बॉडी के अंदर आता है ना, तैसे ये अपना काम चालू कर देगा, रिप्रोडक्शन भी करने लगेगा और मेटाबॉलिज्म भी करने लगेगा। तो दो पॉइंट समझना है, जब तक होस्ट के बॉडी से बाहर रहेगा, तब तक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, जैसे होस्ट के अंदर आ गया तैसे लिविंग की तरह एक्टिविटी करना चालू कर देता है, ठीक है? होस्ट के अंदर आएगा तो रिप्रोडक्शन भी करने लगेगा और मेटाबॉलिज्म भी करने लगेगा। तो वायरस का डिफिनेशन क्या होगा, यह भी तो चिंता वाली बात है ना, आखिर सर समझ में नहीं आ रहा है डिफिनेशन क्या होगा। वायरस का डिफिनेशन होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के बाउंड्री को ही वायरस बोलते हैं, ठीक है? इन बिटवीन किसके किसके बीच होना चाहिए? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के सिस्टम को ही क्या बोलेंगे? वायरस बोलेंगे। समझ में आया ना यहां तक? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूं, वायरस के पास सेल वॉल नहीं होता है, सेल वॉल वायरस के पास नहीं होता है। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए, आप दवा खाते हैं ना, एंटीबायोटिक, जब भी कोई आपको वायरल इंफेक्शन होता है, स्नीजिंग, कफिंग, कोई भी वायरल इन्फेक्शन होगा, तो जब आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक ही देता है। ऐसा क्यों? और एक पॉइंट मैं बता दूं, जो एंटीबायोटिक है ना, ये वायरस का कुछ नहीं कर पाता। एंटीबायोटिक का काम क्या है? ये सेल वॉल को तोड़ेगा। जब वायरस का सेल वॉल ही नहीं है तो ये तोड़ेगा किसे? लेकिन जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो ना भाई, तो आपको एंटीबायोटिक ही देता है। कोई भी वायरल डिजीज हो आपको, कोई भी, आपको एंटीबायोटिक ही देता है। ऐसा क्यों? सोचो, समझो। वायरस का एंटीबायोटिक कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि एंटीबायोटिक सेल वॉल को ब्रेक करता है, वायरस का सेल वॉल नहीं होता है। तो कैसे?
क्यों एंटीबायोटिक ही देता है, ये एक दिमाग में आपके क्वेश्चन होना चाहिए। ये एक बात समझना है कि कोई भी डॉक्टर एंटीबायोटिक इसलिए नहीं देता कि ये वायरस को मार देगा, इसलिए देता है कि वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर देगा अगर आप एंटीबायोटिक नहीं दोगे तो। डॉक्टर एंटीबायोटिक इसलिए देता है ना बच्चों, ताकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना कर पाए। समझ में आया ना, वायरस होस्ट के बाहर रहेगा, नॉन लिविंग की तरह रहेगा, जैसे होस्ट के अंदर आ जाएगा तैसे कैसा बिहेव करने लगेगा, लिविंग की तरह बिहेव करने लगेगा, मेटाबॉलिज्म भी करने लगेगा, रिप्रोडक्शन भी करने लगेगा। तो जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की बाउंड्री होती है ना, उसे ही अपन बोलते हैं वायरस। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक पॉइंट और है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायरस टर्म किसने दिया था। सबसे पहला पॉइंट कि वायरस टर्म एक साइंटिस्ट थे पास्चर, इन्होंने क्या किया था, वायरस टर्म दिया था। और वायरस टर्म को आइडेंटिफाई कौन किया था, तो एक डीजे इवांस्की हैं जो क्या किए थे, वायरस टर्म को आइडेंटिफाई किए थे। किसमें किए थे, टोबैको मोजेक वायरस के अंदर किए थे। ठीक है, ये बेसिक बेसिक पॉइंट है वायरस के बारे में, और वायरस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और है जिसे समझना है। वायरस इतना ईजी नहीं है कि आप समझ लिए वायरस खत्म हो गया एक लाइन में। देखो वायरस किससे बना होता है, वायरस का कंपोजिशन किससे होता है, वायरस बना किससे होता है। ठीक है, पहले अगला पॉइंट, तो वायरस बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से वायरस बना होता है। जब न्यूक्लियो प्रोटीन से बना है तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है, और प्रोटीन का है तो जो वायरस के बॉडी के बाहर की कवर होती है ना, वो कैसी होगी, प्रोटेनिसियस की कवर होगी। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन का बना है तो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा, और न्यूक्लिक एसिड दो ही तरीके का होगा, या तो आरएनए होगा या क्या होगा, डीएनए होगा। एक वायरस के अंदर दोनों न्यूक्लिक एसिड एक साथ नहीं हो सकता, ये पहला पॉइंट याद कर लेना है। और एक स्टेटमेंट आया था AIPMT में, उसमें दिया था ना रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, उसमें दे रखा था क्या एक वायरस के अंदर दोनों न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, नहीं कभी नहीं हो सकता, एक वायरस के अंदर एक ही न्यूक्लिक एसिड होगा, या तो आरएनए हो या तो क्या हो, डीएनए हो। इस पॉइंट को लिख लो, बट नेवर बोथ, दोनों नहीं होगा, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। आई होप कि यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक किसी को डाउट है तो आप बता दीजिए कि हाँ सर डाउट है। ठीक है, एक पॉइंट और मैं बता दूं कि वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसे भी देख लो। कि ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया कोई न्यूक्लिक एसिड, कोई भी न्यूक्लिक एसिड, इसे मान लो कि ये है आरएनए। ठीक है, अब इसके बाहर ऐसे कवर होती है, और इस कवर को ना, ये जो पूरी जो कवर है ना, इस कवर को अपन बोलते हैं, एक मिनट, इस कवर को अपन बोलते हैं कैप्सिड। इस पूरी कवर को अपन बोलते हैं कैप्सिड, और इस कैप्सिड के एक एक यूनिट को अपन बोलते हैं कैप्सोमियर। ठीक है, तो जो इनका न्यूक्लिक एसिड होता है एक प्रोटीन के कवर से ढका होता है, जिसे अपन बोलते हैं कैप्सिड, और कैप्सिड के एक एक यूनिट को अपन बोलते हैं कैप्सोमियर। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो थंबनेल दे देना। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट समझते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। देखो पैरासिटिक का आपने नाम सुना है ना, पैरासिटिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। एक क्या होता है, फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है। दो प्रकार के पैरासाइट होंगे, एक होगा ऑब्लिगेट पैरासाइट और एक होगा फैकल्टेटिव पैरासाइट। देखो ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब ये होता है ना, ये पूरी तरीके से होस्ट पे डिपेंड होंगे होंगे होंगे,
ठीक है, अगर ये ना डिपेंड हो ना तो इनका काम नहीं चलेगा। उन्हें बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। और फैकल्टेटिव मतलब होता है कि इनको भी जरूरत है होस्ट की, अगर ये होस्ट पे ना भी डिपेंड हो ना तो इनका काम चल जाएगा, उसे अपन बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब कि अगर वो होस्ट पे डिपेंड नहीं रहेंगे तो उनका काम नहीं चलेगा, वो होस्ट के ऊपर अटैक करेंगे तो करेंगे, और फैकल्टेटिव नहीं भी करेगा तो काम चल जाएगा। तो वायरस जो होता है ना, वायरस कैसा होता है? वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। कैसा पैरासाइट होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। होस्ट स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है? होस्ट स्पेसिफिक होता है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां से कोई डाउट है तो आप चैनल के अंदर कमेंट कर देना कि हाँ सर यहां से भी कोई डाउट है। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक मेरी गारंटी है। ठीक है, एक पॉइंट और वायरस के बारे में मैं आपको समझा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वायरस है ना अगर कोई वायरस प्लांट पे अटैक करेगा, कोई वायरस एनिमल पे अटैक करेगा, या कोई वायरस किसके ऊपर अटैक करेगा? बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, एक पॉइंट बता देना, जो एनिमल वाला वायरस है ना वो प्लांट पर अटैक नहीं करता है, ठीक है, और जो प्लांट वाला है वो एनिमल पर अटैक नहीं करता है, और जो बैक्टीरिया वाला है वो प्लांट एनिमल दोनों पर अटैक नहीं करता है। इसलिए बोलते हैं होस्ट स्पेसिफिक होता है, जो जिसका वायरस है वो उसी पर अटैक करेगा, दूसरे पर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन मैं पॉइंट क्या बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट को अच्छे से समझना है कि जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है ना, उसका जेनेटिक मटेरियल जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। जनरली की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और एनसीईआरटी भी कहती है कि जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा उसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, ठीक है, और जो वायरस प्लांट के ऊपर अटैक करेगा उसका जेनेटिक मटेरियल जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, ठीक है, और जो वायरस एनिमल पे अटैक करेगा उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये तीनों होगा। ठीक है, ये पॉइंट को एकदम रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वायरस बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा ना, वो वायरस क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और जो वायरस प्लांट के ऊपर अटैक करेगा ना वो जनरली क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और जो वायरस एनिमल के ऊपर अटैक करेगा वो वायरस जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, और यहां तक अगर किसी को डाउट है तो आप बता दो कि सर हाँ डाउट है मेरे को, ठीक है, नहीं तो वायरस के रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे कि वायरस दो तरीके से कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं देख लूँ कोई मैसेज है, फिर मैं रिप्लाई देके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करूंगा। इसे नोट डाउन कर लो आप। कोई मैसेज नहीं है, कोई भी मैसेज नहीं दिख रहा है, पर यू नोट डाउन कर लीजिए। दिख रहा है अच्छे से, चलो हो गया, यहां तक सबका हो गया होगा, दिस इज माई गारंटी, और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहां से। हो गया, अब देखो वायरस रिप्रोडक्शन कैसे करता है, तो वायरस का रिप्रोडक्शन भी कुछ उसका तरीका होगा, कुछ अलग तरीके से करता होगा वायरस। वायरस का रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। किसका रिप्रोडक्शन? वायरस का।
दो तरीके से होता है, एक होता है पिनोसिटिक और एक होता है फैजिक स्टेट। ठीक है, दो तरीके से होता है, एक होता है पिनोसिटिक, एक होता है फैजिक स्टेट। देखो अगर ये कोई बैक्टीरिया है, कोई भी होस्ट है, ठीक है, ये वायरस हो गया, ये इसके ऊपर प्रोटीन की कवर हो गई, ठीक है। अगर ये वायरस पूरी तरीके से इसके अंदर घुस गया, इसका आरएनए भी घुस गया, जेनेटिक मटेरियल भी घुस गया, और इसका ये जो प्रोटीन कोट है ना, ये भी घुस गया, जब पूरी तरीके से पूरा मतलब कि किसी होस्ट के अंदर इसका फुल्ली स्ट्रक्चर क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं पिनोसिटिक। पिनोसिटिक मतलब होता है कि जब वायरस का आरएनए मतलब कि जेनेटिक मटेरियल उसकी पूरी स्ट्रक्चर ही किसी होस्ट के अंदर घुस के अटैक कर दे, वैसे कंडीशन को बोलते हैं पिनोसिटिक। और फैजिक क्या होता है कि अगर किसी होस्ट के अंदर ये वायरस का केवल जेनेटिक मटेरियल अंदर घुसा है, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं फैजिक। ठीक है, फैजिक मतलब होता है कि वायरस का केवल जेनेटिक मटेरियल किसी होस्ट के अंदर इंटर किया है, ऐसे कंडीशन को बोलेंगे फैजिक स्टेट। और जिसमें जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ उसकी पूरी बॉडी अंदर चली गई है, ऐसे कंडीशन को बोलेंगे पिनोसिटिक। ठीक है, अब फैजिक में दो साइकिल की बात करते हैं, एक बात करेंगे लिटिक साइकिल और एक बात करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल। दो साइकिल की बात करेंगे, एक की बात करेंगे लिटिक साइकिल और एक की बात क्या करेंगे लाइसोजेनिक साइकिल, और दोनों इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं तो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लाइसोजेनिक, फिर अपन लिटिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोजेनिक साइकिल, अच्छे से समझना लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है। ये एक है बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसका जेनेटिक मटेरियल यहां पे है, एक मिनट, और इसका जेनेटिक मटेरियल यहां पे, ये क्या हो गया, एक बैक्टीरिया हो गया। अच्छे से समझोगे तो लाइसोजेनिक साइकिल समझ में आ जाएगी, और ये बैक्टीरिया का क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और ये है वायरस, ठीक है, और ये वायरस का क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। कोई भी न्यूक्लिक एसिड ले लो, आरएनए ले लो, ठीक है। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, इसके अंदर घुस जाएगा, किसके अंदर घुस जाएगा, इस बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएगा, और ये जो प्रोटीन की जो कवर बनी है ना, इसके बाहर आके ऐसे लग जाएगा, ठीक है। और ये जो न्यूक्लिक एसिड, किसका न्यूक्लिक एसिड है, ये वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है ना, इस बैक्टीरिया के आके साथ ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। मैं क्या बताया, इसका न्यूक्लिक एसिड इस बैक्टीरिया के अंदर इंटर किया और इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ क्या होगा, आके अटैच हो जाएगा। लेकिन ये जो वायरल है ना, वायरस जो है ना, इसको मारेगा नहीं। सोचो वायरस कभी कभी किसी का भला भी कर देता है, तो अच्छा करेगा क्या, ये जो आरएनए है इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये वायरस इसके बैक्टीरिया के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अच्छा काम क्या करेगा, जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, मान लो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, तो अगर इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे होगा ना, किसका, बैक्टीरिया का, तो वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल इसके साथ क्या करता जाएगा, रेप्लिकेट करता जाएगा। अगर मान के चलो इसका जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट किया, तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल भी क्या कर जाएगा, रेप्लिकेट कर जाएगा। तो लाइसोजेनिक साइकिल में यह होता है कि ये बैक्टीरिया को मारता नहीं है, उसके रेप्लिकेशन के साथ साथ अपने आप को भी रेप्लिकेट कर लेता है, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। समझ में आया ना, अगर बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा यहां पे, तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी रेप्लिकेट होगा, तो वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट हो जाएगा।
तो इस पॉइंट में अगर लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में आपसे पूछे क्या होता है, इसमें रेप्लिकेशन होता है, बैक्टीरिया के साथ साथ वायरस के भी जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन हो जाता है, लेकिन इसमें वायरस जो होता है ना ये बैक्टीरिया को मारता नहीं है, किल नहीं करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज लाइसोजेनिक साइकिल। ये कौन सा साइकिल हो गया? लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, सपोज ये वाला बैक्टीरिया भी डिवाइड किया, दो बैक्टीरिया से चार बैक्टीरिया बना, तो इसका भी जेनेटिक मटेरियल चार हो जाएगा और उसका भी जेनेटिक मटेरियल चार हो जाएगा। उसका मतलब किसका? वायरस का भी। समझ में आया ना लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है? अगर कहीं से डाउट है तो बता दो कि लाइसोजेनिक साइकिल में सर डाउट है कहीं से भी। अब अगला पॉइंट समझेंगे कि लिटिक साइकिल क्या होता है। व्हाट इज लिटिक साइकिल? यह भी इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दे रहा हूं अभी भी। लिटिक साइकिल, अच्छा ल्यूटिक साइकिल क्या होता है पॉइंट को समझिएगा। ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, और ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा? इसके अंदर आएगा, ठीक है, और इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को तोड़ना चालू कर देगा। यहां से ब्रेक करेगा, यहां से ब्रेक करेगा, यहां से ब्रेक करेगा, यहां से ब्रेक करेगा, और इसके बाहर इसके अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर इंजाइम थे ना, इसी का इसका इंजाइम क्या करेगा? यूज करना चालू कर देगा। इसका इंजाइम क्या करेगा? यूज करना चालू कर देगा, और इससे क्या बना लेगा? कुछ आरएनए बना लेगा, कुछ जेनेटिक मटेरियल बनाएगा, तो कुछ क्या बनाएगा? कुछ प्रोटीन बना लेगा, ठीक है। अब इस प्रोटीन से क्या करेगा? इस जेनेटिक मटेरियल को कवर कर देगा, ऐसे ऐसे कवर कर देगा, और इस मेम्ब्रेन का, और बच्चों कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को तोड़ देगा, और इससे क्या हो जाएगा? इसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं लिटिक साइकिल। लिटिक साइकिल में क्या होता है, एक पॉइंट मैं फिर बता दे रहा हूं। लिटिक साइकिल में होता है बच्चों कि ये क्या करेगा? ये वायरस के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करने के साथ उसकी जेनेटिक मटेरियल को तोड़ देगा, और जेनेटिक मटेरियल को ब्रेक करने के बाद उसके अंदर जितने भी इंजाइम थे इंजाइम का यूज करेगा, और अपने आप को रेप्लीकेट कर देगा। रेप्लिकेट करके बहुत सारी कॉपी बनाएगा, किसका? अपने जेनेटिक मटेरियल का। और फिर ये जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाएंगे तो ये वॉल को तोड़ते हुए क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या था कि बैक्टीरिया के साथ, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ वायरस लिंक हो जा रहा था, जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा था वैसे वैसे उसका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड कर जा रहा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइए कि लाइसोजेनिक साइकिल और लिटिक साइकिल में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे? जिसमें बैक्टीरिया के ऊपर अटैक होता है दिस इज नोन एज लिटिक साइकिल, जिसमें बैक्टीरिया के साथ रेप्लिकेशन होता है दिस इज नोन एज लाइसोजेनिक साइकिल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से दिक्कत है तो बता दो कि सर कहीं से भी दिक्कत है तो अभी भी बता दो दिक्कत है सर, उसका सोल्यूशन है यहाँ पे, सॉल्व हो जाएगा आपका सोल्यूशन, ठीक है। अब एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ साइंटिस्ट आए थे, साइंटिस्टों ने कुछ बात बताई थी, उस पॉइंट को समझेंगे। तो इस पॉइंट को आप पहले नोट डाउन कर लो, कौन कौन सा पॉइंट है। एक है ये लाइसोजेनिक साइकिल क्या होता है, ठीक है, इस पॉइंट को इसका प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट्स, इसका स्क्रीनशॉट्स ले लो आप, ठीक है, और इस वाले पॉइंट का भी ले लो, लिटिक साइकिल क्या होता है। हो गया है ना यहां तक? अब देखो कुछ साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन से साइंटिस्ट हैं? कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में अपन लोग स्टडी करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो, ठीक है। पहला साइंटिस्ट कौन है? एक मिनट, देखो साइंटिस्ट बताने से पहले दो पॉइंट अपन समझेंगे। एक होता है वायराइड्स, एक होता है प्रायोन्स। दो पॉइंट के बारे में अच्छे से समझेंगे, वायराइड्स क्या होता है, प्रायोन्स क्या होता है। एक पॉइंट मैं अभी आपको बताया था, शायद आपको याद होगा अच्छे से, कि वायरस कैसे होता है, ऐसे इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, ऐसे इसका कोड होता है, प्रोटीन का कोड होता है, ठीक है। देखो अगर केवल इसका ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, फ्री सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, नेकेड प्रोटीन,
ठीक है, नेकेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा, वैसे कंडीशन को बोलते हैं वायराइड्स, जिसमें प्रोटीन की कवर नहीं होगी, ठीक है, वैसे कंडीशन को बोलेंगे वायराइड्स। एक साइंटिस्ट टीओ डाइनर DIOENER किस सन में, 1971 में इन्होंने वायराइड्स को डिफाइन किया था। और ये जो वायराइड्स है ना, ये सोचो डिजीज भी कॉज कर देता है, डिजीज भी कॉज कर देता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इसका केवल जेनेटिक मटेरियल सोचो डिजीज कॉज कर देता है। अच्छा, इसको दिया कौन था, टीओ डाइनर दिए थे, किस सन में दिए थे, 1971 में, क्या किए थे, वायराइड्स के बारे में बताए थे। वायराइड्स क्या होता है, वायराइड्स होता है नेकेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन की कवर नहीं होती है, यह भी एक डिजीज कॉज कर देता है, जिसे अपन बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ठीक है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, इस आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, कैसा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो प्रायोन्स क्या होता है, प्रायोन्स के बारे में भी समझ लेते हैं, प्रायोन्स के बारे में समझा दूं अच्छे से, कि ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। अच्छा, इसमें क्या अब्सेंट होता है, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। तो इसका प्रोटीन ऐसे एबनॉर्मली होगा, ऐसे ऐसे करके एबनॉर्मली इसका प्रोटीन होता है, ठीक है। अब सोचो ये प्रोटीन भी डिजीज कॉज कर देता है बच्चों, एक डिजीज कॉज करता है मैड काउ डिजीज, ये क्या करेगा, ये एबनॉर्मली प्रोटीन किसी काउ के अंदर, किसी गाय के अंदर इंटर कर देगा, और उसके अंदर जो नॉर्मल प्रोटीन है ना, उसको एबनॉर्मल बना देगा, और जब उसको एबनॉर्मल बनाएगा तो जितने भी न्यूरॉन है सब खराब होने लगेंगे। तो कभी कभी जब ये बीमारी काउ के अंदर आती है ना, गाय के अंदर, आपने देखा होगा, इसीलिए बोलते हैं मैड काउ डिजीज, ये जब किसी काउ के अंदर ये बीमारी आती है ना, तो काउ जानते हो क्या हो जाती है, गाय एग्रेसिव हो जाती है, वो किसी को मारने के लिए चली जाएगी, उसको नींद नहीं आएगा और अल्टीमेटली वो मर जाती है, ठीक है। अगर यही डिजीज किसी ह्यूमंस के अंदर इंटर कर जाए तो ये डिजीज कॉज कर देता है, जिसे अपन बोलते CR जैकोब डिजीज। ये क्या करेगा, ह्यूमन के बॉडी के अंदर क्या करेगा, इंटर करेगा, उसके प्रोटीन को एबनॉर्मल बनाएगा, न्यूरॉन को डैमेज करा देगा, और अल्टीमेटली इंसान की भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एक और डिजीज कॉज कराते हैं ह्यूमंस के अंदर, जिसे अपन बोलते हैं कुरूस डिजीज। तो सोचो यार, ये केवल प्रोटीन भी एक डिजीज कॉज कर दे रहा है, मैड काउ डिजीज करता है, जिसे अपन बोलते हैं बोबम स्पॉन्जिफेरम और इंसिप्लेटस, ठीक है। और ह्यूमंस के अंदर जो डिजीज कॉज करेगा CR जैकब कॉज करता है, और कुरूस डिजीज कॉज कर देता है। यहां तक आपको समझ में आया है ना, अगर यहां तक आपको समझ में आया है तो थंबनेल का निशान दे दीजिए कि हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं बताया हूं, कि वायराइड्स जो होता है ना, फ्री नेकेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन की कोट नहीं होती, इसके आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है। और एक साइंटिस्ट थे टीओ डाइनर, जिन्होंने 1971 में बताया था, ठीक है, वायराइड्स कुछ होता है। और ये जो वायराइड्स होता है, ये भी डिजीज कॉज करता है, कैसा डिजीज कॉज करेगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। और प्रायोन्स क्या होता है, कि एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होता है, ये अटैक किस पे करता है, तो न्यूरॉन पे अटैक करेगा, ह्यूमंस के बॉडी के अंदर आएगा तो उसके प्रोटीन को एबनॉर्मल बना के उसके न्यूरॉन को डैमेज करके उनकी डेथ करा देगा। अगर गाय के अंदर मैड काउ डिजीज, जिसे अपन बोलते हैं ना, गाय के अंदर भी जाएगा तो उसके प्रोटीन को एबनॉर्मल बनाएगा और फिर उसके न्यूरॉन को डैमेज करके उसकी डेथ करा देगा, ठीक है। तो सोचो केवल प्रोटीन भी डिजीज कॉज कर देता है, और केवल नेकेड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी डिजीज कॉज कर दे रहा है बच्चों। आई होप कि समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कुछ साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में समझ लेंगे, तब तक आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, मैं देख लूं कोई मैसेज है कि नहीं है।
नो मैसेज, कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। अब चलिए, इस पॉइंट को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और साइंटिस्ट हैं, कुछ साइंटिस्ट के बारे में स्टडी करके आज की क्लास को खत्म करते हैं, और वायरस यहां पे खत्म हो जाएगा, और जाके आप क्वेश्चन करना, देखना सारा का सारा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है। वायरस के बाद कुछ साइंटिस्ट हैं, ये पेज खत्म हो गया भाई, उसको इरेज कर देते हैं। देखो कुछ साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का मैं नाम बता दूं, एक है डीजे इवांस की, स्पेलिंग भाई गलती हो जाएगी तो इसके लिए सॉरी, डीजे इवानोस की, इनका काम क्या था समझना है अच्छे से एकदम, फिर आपको समझ में आएगा। डीजे इवांस्की ने क्या किया था कि एक टोबैको प्लांट के लीफ को लिया था, किसके लीफ को लिया था, टोबैको प्लांट के लीफ को लिया था, और जो लीफ था ना उसके अंदर क्या था, मोजेक थे, वो जो लीफ थी वो डिजीज थी उसके अंदर। अच्छा मोजेक मतलब क्या होता है, ये सपोज कि ये लीफ हो गई, कोई पत्ती हो गई, ठीक है, और इस पत्ती के अंदर ऐसे धब्बे हैं, इसी धब्बे को अपन बोलते हैं मोजेक, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस मोजेक को क्या किया, इस मोजेक का जो प्लांट का जो शेप है ना, इस प्लांट शेप को क्या किया, निकाल लिया, मतलब कि इसके जूस को निकाल लिया, ठीक है। और इसके जूस को निकालने के बाद बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में इसे क्या कर दिया, डाल दिया, ठीक है। अच्छा बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का काम क्या है पता है, कि ये बैक्टीरिया को क्या करेगा, प्रूफ नहीं करने देगा, बैक्टीरिया को नीचे नहीं आने देगा। सपोज कि ये ऐसे स्टैंड लगाया, यहां पे ये क्या लगा दिया इन्होंने, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लगा दिया, और इसके बाद इस शेप को यहीं पे क्या किया, डाला, और ये शेप सारे क्या हो गए, नीचे आ गए। लेकिन क्या फिल्टर नहीं हुआ, बैक्टीरिया फिल्टर नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या लगाया था, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर इन्होंने यूज किया था, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे क्या होंगे, बैक्टीरिया फ्री होंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो ये सैप था ना, इस सैप को क्या किया, फिर एक हेल्दी लीव्स के अंदर क्या किया, उसे डाल दिया, किसके अंदर डाला, हेल्दी लीफ के अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर भी क्या हो गया, मोजेक पड़ गए, ये हेल्दी लीफ भी क्या बन गई, डिजीज का शिकार हो गई। मैं पॉइंट क्या क्या बताऊं, उन्होंने टोबैको प्लांट के लीफ को लिया, उसके अंदर से प्लांट सैप को निकाला, और प्लांट सैप निकाल के क्या किया, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में बैक्टीरिया को इस सैप को फिल्टर किया। उससे क्या फायदा था, कि बैक्टीरिया जो है ना वो रुक जाते हैं इस फिल्टर में, बैक्टीरिया नहीं आते हैं। फिर इस सैप से क्या किया, कि एक हेल्दी लीफ में इस सैप को डाला, फिर उन्होंने देखा कि इस हेल्दी लीफ को भी बीमारी हो गई। तो इनके दिमाग में दो कंक्लूजन आया था, दो पॉइंट इसके दिमाग में आए थे, डीजे इवांस्की के दिमाग में दो पॉइंट आए थे, कि या तो कोई बैक्टीरिया से बहुत छोटा चीज है जो फिल्टर हो जा रहा है, क्या उन्होंने बताया, या तो कोई सम वेरी वेरी स्मॉल बैक्टीरिया है जो इसके अंदर से फिल्टर हो जा रहा है, या तो कोई टॉक्सिन है, क्या उन्होंने बताया था, या तो कोई टॉक्सिन है, या तो कोई बहुत छोटा बैक्टीरिया है जो क्या हो जा रहा है, इस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से फिल्टर हो जा रहा है। तो दो कंक्लूजन आपसे पूछेगा, ये बताइए कि डीजे इवांस्की ने दो कंक्लूजन कौन कौन से बताए थे। उन्होंने बताया था कि या तो ये टॉक्सिन है, या तो बैक्टीरिया से कोई ऐसी इतनी छोटी बैक्टीरिया है जो इस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में से क्या हो जा रही है, फिल्टर हो जा रही है। तो ये साइंटिस्ट ने यहां तक अपना काम धाम किया था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एम डब्ल्यू बेंजरिक। इसके बाद सारा का सारा सिस्टम उन्होंने संभाल लिया, ठीक है। बेंजरिक जी की काम क्या थी, अगला साइंटिस्ट कौन थे, मैं इसको इरेज कर दूं, स्पेलिंग इसके बाद से ना काम दाम इन्होंने ना ये संभाल लिए, बेंजरिक साहब संभाल लिए। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी एक डिजीज लीव्स को लिया, ठीक है,
इसके अंदर से उन्होंने प्लांट सैप को निकाला, फिर प्लांट सैप को क्या किया, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में फिल्टर कर दिया, और इसके बाद जो सैप बचा था उन्होंने फिर क्या किया, एक हेल्दी लीफ के अंदर डाल दिया। फिर अल्टीमेटली इन्होंने देखा कि हेल्दी लीफ भी क्या हो गई, डिजीज का शिकार हो गई। अच्छा, अरे इवांस्की ने भी यही किया था ना, और बेंजरिक ने भी यही किया था ना, तो उन्होंने क्या डिफरेंस किया था, यह भी तो पॉइंट होना चाहिए ना। उन्होंने इस काम को ना, इसी वाले प्रोसेस को कम से कम 4-5-10 दफा उन्होंने किया। इससे एक चीज उन्हें पता चल गया कि इसके अंदर टॉक्सिन नहीं है, क्योंकि अगर टॉक्सिन होता तो इतने तगड़े तरीके से हर बार बीमारी नहीं करता किसी हेल्दी प्लांट के अंदर, किसी हेल्दी लीफ के अंदर। इनको यह चीज पता चल गया कि कोई टॉक्सिन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए कि इन्होंने क्यों बहुत समय किया इसी काम को, इस वाले काम को इन्होंने मान के चलो 100 टाइम क्यों किया, और डीजे इवांस्की ने एक टाइम ही क्यों किया। उन्होंने एक टाइम किया तो उनको लगा या तो कोई टॉक्सिन है या तो बहुत छोटी बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया प्रूफ से फिल्टर हो जा रही है। तो डीजे इवांस्की ने इसी प्रोसेस को कम से कम 10-20-100 बार किया, तो एक चीज उन्हें पता लग गई कि ये कोई टॉक्सिन नहीं है। अगर कोई टॉक्सिन रहता ना तो इतनी तगड़े तरीके से बार बार किसी हेल्दी लीफ को बीमार नहीं करता। तो टॉक्सिन नहीं है, कौन बताया था, कौन बताया था, उनका नाम है M.W. बेंजरिक। उन्होंने सैप का एक नाम दे दिया था जिसे अपन बोलते कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम। तो क्वेश्चन आपसे आएगा कि ये बताइए कि डीजे इवांस्की ने दो कंक्लूजन उनका क्या निकला, एक निकला या तो बैक्टीरिया से भी कोई छोटी बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से फिल्टर हो जा रही है, या तो कोई टॉक्सिन है। इसके बाद से काम धाम बेंजरिक साहब ने संभाला, उन्होंने जानते हो क्या बोला, बोला टॉक्सिन नहीं है, अगर टॉक्सिन रहता तो इतने तगड़े तरीके से क्या करता, किसी और लीव्स के अंदर बीमारी नहीं करता जितने तगड़े तरीके से बार बार हो रहा है। उन्होंने बता दिया ये अब टॉक्सिन नहीं है। उन्होंने सैप का जो नाम दे दिया था ना, इस फ्लूइड का जो नाम दिया था, उस फ्लूइड का नाम दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइड कोई है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम कौन दिया था, तो बेंजरिक साहब दिए थे। और दो कंक्लूजन कौन बताया था, कि बैक्टीरिया से भी कोई छोटी बैक्टीरिया है जो फिल्टर हो जा रही है या टॉक्सिन है, ये इवांस्की जी बताए थे। और इसके बाद से काम धाम कौन संभाल लिया, M.W. स्टेनले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसके बाद से क्या किया, अपना काम संभाला। इन्होंने क्या किया ना, टोबैक मोजेक वायरस को इन्होंने क्या कर दिया, क्रिस्टलाइज कर दिया। कौन क्रिस्टलाइज किया था, W.M. स्टेनले ने क्या किया था, टोबैको मोजेक वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया, ठीक है। तो आपसे समरी में मैं इस पूरे पॉइंट को लिख दे रहा हूं कि डीजे इवांस्की जो थे, जो डीजे इवांस्की साहब थे, इन्होंने क्या बताया था, या तो कोई सम वेरी वेरी स्मॉल बैक्टीरिया है जो क्या हो जा रही है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से फिल्टर हो जा रहा है, या तो कोई टॉक्सिन है। जो पॉइंट मैं बता रहा हूं इस पॉइंट को याद कर लेना है। फिर बेंजरिक जी आए, इन्होंने क्या बताया कि जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का उन्होंने नाम दे दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम, ठीक है। उन्होंने एक और पॉइंट बताया कि ये टॉक्सिन नहीं है। फिर स्टेनले साहब आए, स्टेनले साहब ने क्या किया कि TMB को क्या कर दिया, क्रिस्टलाइज्ड कर दिया, ठीक है। सन पूछेगा, सन में देख के एक बार लिख दे रहा हूं, इन्होंने 1892 में ये सब काम किया था और ये 1898 में किए थे, ठीक है। और स्टेनले साहब 1935 में अपना काम धाम संभाले थे।
तो ये पूरा ओवरव्यू है सारे साइंटिस्टों का। अब आई होप कि आपको पूरा कुछ समझ में आ गया होगा। यहां तक सबको क्लियर है ना? अगर यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो। और आज वायरस का टॉपिक खत्म हो गया। वायरस में इससे अधिक कहीं से क्वेश्चन नहीं आ सकता। एक बार जाके आप क्वेश्चन करो, फिर देखना आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। केवल देखो थ्योरी पढ़ने से काम धाम नहीं चलेगा, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और इस वीडियो को क्या करना है, स्प्रेड कर देना ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जिनको वायरस समझना है, वायरस क्या होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।